गुड मॉर्निंग क्लास। तो काफ़ी दिनों के बाद अभी दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर रिकॉर्ड ना करने का मकसद ये था कि मेरे एग्जाम चल रहे थे 5th सेमेस्टर के, अभी 9 डेट को ख़त्म हो गए हैं, तो सोचा फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने 9th क्लास का पहला यूनिट फिजिक्स का तो ख़त्म कर दिया है, मोशन। अब नेक्स्ट वाला शुरू करना है जो है फोर्स। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो फोर्स हमने सबसे पहले तो ये देख लो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को समझा था, मतलब वो रेस्ट में और मोशन में कब कहलाएगा। तो अगर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रही है, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो उसे वो मोशन में लेकर आ रही है, या अगर वो मोशन में है तो उसे रेस्ट में लेकर आ रही है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फिर फोर्स क्या होती है, तो हमने समझा कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकती है, मतलब उसे रेस्ट से मोशन में लेके आ सकती है या उसे मोशन से रेस्ट में लेके आ सकती है। मगर एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो या तो उसे कंप्लीटली उसकी स्टेट को चेंज कर देती है, या इट ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब या तो वो 100% चेंज कर देगी या वो कोशिश करती है कि मैं इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर लूं, ठीक है। तो आप जो नेक्स्ट स्टेट है, मतलब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, हमें बैलेंस ऑफ फोर्सेस के बारे में दिया गया है। अब बैलेंस्ड फोर्सेस को आप ऐसे समझ लो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। 3 केस। सबसे पहला, जो हमने फोर्स अप्लाई करी है वो उस बॉडी की, मतलब जो उस बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल क्या समझते हैं, भूल जाइए 3 केसेस को। जैसे ये हमारा क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है, इसका मास होगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा जिसे हम जी कहते हैं। तो अब इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, तो वेट कैसे निकालते हैं, एम इंटू जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो जनरली इसका वैल्यू 9.8 होता है, मगर उसकी अगर इजी वे में अगर देखें या कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखें तो वैल्यू 10 लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मास जो है वो 30 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, कुछ भी हो, मान लो एम ग्राम है, और इसके ऊपर फोर्स मतलब जो भी इसका वेट है मान लो वो एम जी न्यूटन है, एफ न्यूटन है, तो ये एक डाउनवर्ड लग रहा है अभी, ठीक है। अभी ये डाउनवर्ड लग रहा है। अभी सबसे पहला केस क्या है कि मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसे ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई जो इसके वेट से कम थी, ठीक है। तो क्या होगा जब इसका ये, मतलब मान लो ये फ्लोर था, ये ऑब्जेक्ट था जिसने इसको बैलेंस किया होता, हैंडल किया हुआ था, सपोर्ट दे रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे पकड़ा तो मैं सपोर्ट को हटा देता, अगर जो फोर्स मैंने अप्लाई करी है, जो फोर्स मैंने अप्लाई की है वो इसके वेट यानी कि जो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है उससे कम है, तो हम क्या कहेंगे, मतलब क्या वहां पे रिजल्ट क्या आएगा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डोमिनेट हो जाएगी, मतलब वो हमारी इस फोर्स को खत्म करके इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच लेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर 10 यूनिट ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था और हमने 8 यूनिट या 9 यूनिट हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स को क्या करेगी, नीचे की तरफ वापस खींच लेगी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेट क्या आती है कि जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फोर्स अप्लाई की है और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे से इस पर ऑलरेडी लगी रही है क्योंकि अर्थ के ऊपर है, तो अगर हम इसके सपोर्ट को हटा देते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था मेरा हैंड जो है सपोर्ट काम करेगा, तो हैंड को हटा देते तो ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और जो फोर्स मैंने अप्लाई की इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दोनों एंटी पैरेलल है और दोनों इक्वल है, तो स्टेट में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। अब थर्ड केस क्या होता है, अगर जो फोर्स मैंने अप्लाई की है वो इस ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा होगी, ठीक है। अब जो थर्ड फोर्स है उसमें जो फोर्स मैंने अप्लाई की है वो इस ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा होगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारी फोर्स क्या होगी जो हमने अप्लाई करी, वो ग्रेविटेशन फोर्स पे डोमिनेट हो जाएगी और वो हम ऑब्जेक्ट को इजीली ऊपर उठा सकते हैं। अब बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है,
कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं, जैसे अभी मैंने इस पेन की बात की तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक जो इसके ऊपर ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और दूसरा जो फोर्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा था इसके इसको ऊपर उठाने के लिए, इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए। तो अगर कभी ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो इक्वल है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली अपोजिट हो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं जब मल्टीपल फोर्सेस की बात आती है। अगर वो ऐसे हैं कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब उन सब की क्वांटिटी जो है वो इक्वल है, तो मतलब उनका जो नेट इफेक्ट है वो जीरो है, समझा कि नेट इफेक्ट। जैसे अभी मैंने सेकंड केस अब इसका देखा था, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, इक्वल थे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट थे डायरेक्शन में, तो मगर उनका नेट इफेक्ट क्या था, जीरो था। जैसे अभी स्पॉट पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ये स्टेशनरी था, अभी मैंने फोर्स अप्लाई की, ये वाली फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल थे, ये ऑब्जेक्ट अभी भी क्या है, उसी जगह पे स्टेशनरी है। तो इस केस में क्या ऐसी फोर्सेस जो मतलब जिनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, आज के दिन में आज के लेक्चर में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है काफी टाइम के बाद, तो इंट्रोडक्शन भी एज इंट्रोडक्शन ही है इस लेक्चर को। तो हमने आज के दिन में क्या पढ़ा, फोर्स क्या होती है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रही है, मतलब 100% कर देगी, या उसमें एबिलिटी है कि वो उसे चेंज करे, मतलब इट ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब श्योर नहीं कि मतलब वो कर नहीं सकती बट वो कोशिश कर रही है कि मैं चेंज कर लूँ। ठीक है, जैसे अभी मैं इस वॉल को धक्का दे रहा हूँ, मेरे अंदर तो इतनी एबिलिटी है नहीं, मतलब कोई भी पुश करेगा तो ये वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी नहीं, तो मतलब मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ इसको डिस्प्लेस करने की, और जैसे अभी इस पेन को हल्का सा धक्का दूंगा ये निकल जाएगी, और मतलब ये फोर्स इसने इसकी एबिलिटी इसने इसकी पोजिशन को चेंज कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया, मगर अगर मैं वही फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो फोर्स ही अप्लाई तो कर रहा हूँ मगर चेंज नहीं होगी, बट मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। तो फोर्स का ऐसे ही एग्जांपल मान लो, ऐसे ही समझ लो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रही है या वो करने की कोशिश कर रही है, तो वो फोर्स कहलाएगी। अब सेकंड केस क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस का। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में मैंने ये कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों, मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, अगर उनका नेट इफेक्ट जीरो हो, मतलब जैसी जैसी ऑब्जेक्ट की स्टेट फोर्सेस अप्लाई होने से पहले थी और अगर वैसे ही स्टेट ऑब्जेक्ट की फोर्सेस अप्लाई करने के बाद भी है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आया है फोर्सेस अप्लाई होने के बाद, तो ऐसे स्टेट को या ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा हमने यूट्यूब पे इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे रखे हैं, जैसे कोडिंग अगर आपको पढ़नी है, HTML, CSS, JavaScript और CSS पढ़ना है तो वो भी है, मतलब वेब डिजाइनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। आज से पहले हम लोगों ने 9th class का मोशन चैप्टर खत्म कर लिया है, हम 9th class खत्म करने के बाद 10th की मैथ और 10th की साइंस को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।